गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है आज सिलसिले अनुष्ठान का दूसरा दिन है और भाई अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं यहाँ आने में। तो वीडियो को अंत तक एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जो पूरा आपको कोई नहीं दिखाता वही तो हम दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं, हम मिलते हैं आगे। जा रहे हैं जहाँ प्रोग्राम वगैरह होने वही जा रहे हैं, और भाई ब्लॉग में एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको ऐसी दिखा दें पूरा। मिसाल कैसा लग रहा भाई? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज। हाँ क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें? तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मुँह में जवानी है, मुँह में दही जमा दी तुमने। हाँ बहुत अच्छा लगता है। आवाज नहीं आ रहा मुझे दोस्तों, जहाँ मैं हूँ वहाँ ऋतु दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं भाई, हम यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा फील आ रहा है यार। देखो मैं कैसे अटके, देखो यार जहाँ मैं जीवन का असली मजा मजा लगता है। वहाँ जहाँ मैं होता हूँ वहाँ रंगत आ जाती है ना। लेकिन कभी कभी इसको लेके इसकी वजह से ना कभी कभी दीवारें पैदा हो जाती हैं। नहीं भी आ रहे कौन सी बड़ी बात है। फिर बैठ के बनाते हैं। Thank you.
बोलेंगे, जितने भी हैं सारे खड़े हो जाओ एक बार, और सारे झूम कर मेरे साथ आएंगे, क्या बोले, अरे बोले ऊंचा डांडा काठा मांगे ते को मोटा आड़ी क्या है, ऊंचा डांडा काठा रे यो फुल झंडा बेटिया ले ले बोल गो। देखा बहुत ही बोरिंग प्रोग्राम भाई, इतना सड़ा प्रोग्राम था ना भाई। देखो भाई बियर केस बनने का फैन है इनको, कुछ कुछ सचिन भाई एडवेंचर, ओ भाई साहब। अबे मेरी बारी मौत की, मौत खेल खेलने की। दोस्तों देखो अभी इनने खाया था, दोबारा खाने जा रहे हैं। मैंने नहीं खाए लाटे, इसे लौकी से एलर्जी है, खत्म हो गया है ना, क्या देर से लौकी से एलर्जी। अब रुक जा भाई, भंडारा खाने आया था भाई, और मगर ऐसे अलग ही पोपट हो गया हमारे साथ, भंडारा खत्म। और देखिए लड़की ये मेरे किस जमाने में करस थी, मगर अभी किस साथ सेट हो चुकी है। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे मतलब मेला वगैरह लगा, जादू को बैठाने वाले, क्योंकि जादू से सचिन और सचिन से जादू है। देखो गाइस हम बस थोड़े चरखी में बैठा करते थे, और ये है जादू, ये भी है जादू, ये है जादू, ये जादू, ये कोई मिलकर के जादू, अरे भी हमारी जादू है। वाह भाई लोग खुश हो रहे हैं भाई, कितना खतरनाक घूम रहे भाई, पूरी दुनिया गोल है और ये चरखे भी गोल है, दुनिया गोल है। अबे इनके नीचे आने के बाद इनको पता लगेगा कि हमने क्या कर दिया, ये हमने क्या हुई। मजा आ गया, ये हमने क्या करी। दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया है ट्रेन वगैरह, और लोग कैसे घूम रहे थे, उनकी दुनिया कैसे गोल है वो दिखाया आपने के भाई, मिक्की माउस वगैरह। ओहो बच्चों का बचपन में हमने बहुत मजे लिए, सचिन भाई आपने मिक्की माउस के मजे लिए थे बचपन में। आपने कभी मिक्की माउस में गए थे? ये यहाँ का मिक्की माउस ही हमारा मिक्की माउस, जीता जागता मिक्की माउस। और भाई क्राउड देख सकते हैं आप कितना लोग मजे ले रहे हैं, पागल पन के दौरे भाई, जिसे जाकर पागल पन के दौरे पड़ते हैं हमारे सचिन भाई को।
रमेश की बीमारी है, गाली दी बोला सुसाइड कर जा रहा ट्रेन के नीचे, ट्रेन के नीचे, ट्रेन के नीचे मैंने। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेले में और भाई आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा मस्त बात इंटरेस्टिंग नज़ारा हो रहा है भाई, भीड़ देख सकते हैं, पैर रखने की जगह नहीं, दो गायब, दो इंसान गायब हो चुके हैं हमारे साथ, देखो दो सट गए हुए लोग। इधर के नीचे साइड आ चुके और एक झूला दूसरा उसमें लगा पार्किंग में जो मेन पार्किंग है और भाई एकदम होटल ही पार्किंग से, तो यहाँ पे भी अब झूले वगैरह लगे और भाई देखते हैं अब नज़ारा कुछ इस प्रकार सा है कोट द्वार का। और ये लड़की पूछ रही थी कि भाई ये झूला ये जो है चरखा है बड़ा है, पूछ रहे थे ना वो इसलिए क्योंकि ने चश्मा पहनना भूल गई थी। हाँ ये चश्मा नहीं पहना तुमने आज, चलो मैडम। और हमारे सचिन भाई कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? भाई तूने मेरे को बोलता मुँह में डाल लगा ले। देखो भाई आप दुकान देख सकते हैं भाई कितनी मस्त मस्त दुकान है भाई, अमेजिंग ओपी टाइप की। और ये पुराना खेल जो हम पहले खेला करते थे बचपन में, इसमें जिसमें चरखा फेंकना है और जिसमें घुसेगा वही तुम्हारा हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि चरखा इस प्रकार से बनाया रहता है जो घुसता नहीं है कभी। झूठ के आ गया लौंडा, इसमें से कोई एक आदि होगा जो है ना, चरखा कुछ इस प्रकार से होता है कि घुसता नहीं किसी में, है ना, बनावट नहीं होती कुछ भी टेढ़ी है। अबे जाओ हाथ में कलाकारी भैया, तो बोल ले तुम भैया, अभी तक किसी ने डाला चरखा? बहुत ने डाल दिया भाई, भाई मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूं, इंटरव्यू मटेरियल के साथ करो। बोलो आई हैव माइक। तो आपको कैसा लग रहा है भैया यहाँ पे, आपको कैसा लग रहा है मेले में? बकवास, बहुत अच्छा लग रहा है, बिक्री ना हो पा रहा भैया, मेरा बैंक बैलेंस बन गया तो अच्छा नहीं लगेगा क्या? देखो भैया का रिएक्शन ही कुछ अलग प्रकार का है मेले में, कस्टमर आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। और ये गन वाला शॉट इन्होंने तो कुछ मॉडिफिकेशन करा है इसमें, पहले नहीं, हाँ माचिस, पहले पहले गुब्बारे वाला था, पहले गुब्बारे में मानना था, इन्होंने कुछ मॉडिफाई करा है क्योंकि क्योंकि पहले गुब्बारे पचास रुपए देके 10 रुपए की फ्रूटी मिली, 10 रुपए में 10 की फ्रूटी, अलग इन्वेस्टमेंट है, 40 रुपए तो बर्बाद ही हो गए। देखो भाई 50 रुपए में 6 चार के और सिर्फ एक फ्रूटी 10 रुपए की, 40 रुपए तो बर्बाद ही हो गए। 50 रुपए के चले 10 रुपए की फ्रूटी लेके लोग कर रहे हैं बल्ले बल्ले, दो है बस उसमें से एक तो निकले गई, बाकी तो दो, एक तो बर्बाद हो गया, 40 रुपए बर्बाद। उस भाई का 100 का नोट, 100 का नोट निकलने से बच गया भाई। अब हो जाए, अब हो गया बस भाई, हो गया मेरे भाई। या या सी 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 टैलेंटेड मैन, या या ये लड़की बहुत तेज है। गरीब का नहीं निकला, भैया ने अपनी खुशी से एक करा होने क्योंकि इन्होंने भैया को एक रणनीति बताई, चला के चल जाते लालच बुरी बला होती है, इस वक्त पका दिया भैया ने बोला निकलो यहाँ से, तो हमने गाली उड़ी खा के आगे निकल चुके हैं, बहुत ही मजा आया। इस जंपिंग जैक ने बचपन की याद दिला दी, ऋतु ऐसे उछला करती थी बचपन में ना। इस बार काफ़ी ज़्यादा चरखे वगैरह लगे भाई, मतलब आप सोच नहीं सकते, भीड़ का अलग ही लैक्स लेवल की भीड़ लगी है भाई यहाँ पे। और नज़ारा कुछ इस प्रकार है क्योंकि अब शाम का टाइम हो चुका है और भाई आप नज़ारा देख सकते हैं भाई कोट द्वार का, और तो देख सकते हैं भाई यहाँ पे खिलौने रखे भाई, खिलौने गुब्बारे। फाइनली हमें गुब्बारे मिल चुके हैं जो वाला पहले लगाए जाते थे, शूटिंग शूटिंग एरिया भाई यहाँ पे। ये
टारगेट लेने के लिए है ना। ये तो है तो भाई यहाँ पे भी एक ट्रेन लगी है जो चल नहीं रही है, इसका फ्यूल खत्म हो चुका है। और सचिन तो सुसाइड करने जा रहा था। लाठी मेरे पे रोशनी होने चली गई। इंदौर के कमेंट भी खत्म नहीं होती भाई। और भाई हमारी प्रिय मित्र क्या हाल है? अभी इसकी महिला मित्र मिली अंबर सरिया एम्पायर वाले अंकल लगाए सिंह। और सर भीड़ इतनी है कि भाई फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैयार है, क्योंकि भाई कभी भी लड़ाई और कभी भी आग कभी भी लग सकती है। पुल में आ चुके और भाई पुल का आप शाम का टाइम है और पुल का पुल में इतनी भीड़ की आप सोच रहे थे। और केदारनाथ और हमारे सचिन भाई को केदारनाथ मिले हैं। सचिन भाई आप लेना चाह रहे क्या? पैसा नहीं है, पैसा गरीब यहाँ बैठ के ऐसे करने पड़े। और हमारे साथ एक एडवांटेज है, लड़के कुछ खाती नहीं है बेचारे, मिठाई खिलाती है मिठाई मिली नहीं थी कहीं। क्या कह रही तू? इस बार मतलब नेक्स्ट लेवल की भीड़ और दुकानें भी पहले से ज़्यादा लगी है और मतलब इसमें और मज़े ही अलग है। उस बार बहुत चुके जहाँ पे सिद्ध बली का पार्क है और भाई वहाँ पे आप देख रहे हैं शाम का कुछ नज़ारा इस प्रकार का है। इस ओ भाई लाइटिंग देख सकते हो भाई, आपने देखी होगी मगर इस प्रकार की लाइटिंग अलग ही। भीड़ कम हो चुकी है भाई, हम आ चुके हैं रास्ते में और रास्ते में भी इस बार बहुत दुकानें लगी है भाई, मतलब अलग ही लेवल का, अलग ही लेवल और बोलते अलग ही लेवल का चूतिया मेरे और मेरे दोस्त के साथ।